हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी चीज़ को खाने से पहले प्रेग्नेंट महिला एक बार ज़रूर सोचती है कि क्या ये मेरे बच्चे के लिए सेफ है या फिर नहीं है। बहुत बार आपने सुना भी होगा कि अगर आप कुछ भी उटपटांग चीज़ें खाती हैं तो बच्चे को इससे नुकसान पहुंचता है और माँ जो भी खाती पीती है उसका संपूर्ण पोषण बच्चे को उनके द्वारा ही मिलता है। इसीलिए प्रेगनेंसी में कौन सी चीज़ें खानी है, कितनी मात्रा में खानी है, किस तरह से खानी है, कौन सी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना है, ये आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए और इसके लिए आप अपने डॉक्टर से बिल्कुल क्लियरली डिस्कस भी कर सकती हैं। इस वीडियो में हाईली रिक्वेस्टेड क्वेश्चन, एक सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, जो कि ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान चावल यानी राइस का सेवन करना चाहिए या नहीं, किस राइस को मुझे खाना चाहिए और किस राइस को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आजकल मार्केट में टाइप ऑफ वेरिएशन काफी ज्यादा आपको चावल के दिखाई देते हैं। तो आइए सारी बातें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेग्नेंसी टिप्स को फॉलो करती हैं, जानना चाहती हैं उन छोटी छोटी बारीकियों को, तो फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियोस बहुत हेल्प करेंगी। तो इसके लिए पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड हिट द लाइक बटन। आइए फ्रेंड्स जानते हैं प्रेगनेंसी के दौरान चावल का यूज हमें किस प्रकार से करना चाहिए। एक्चुअली फ्रेंड्स, चावल खाने से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है क्योंकि इसमें हाई कैलोरी होती है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, चावल के अंदर और भी कुछ कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि इसमें आयरन अच्छी मात्रा में पाई जाती है, इसमें फाइबर और कैल्शियम भी होता है, इसलिए चावल खाना हर गर्भवती महिलाओं के लिए सेफ हो सकता है, लेकिन किस तरह से और कैसे लेना है ये आगे हम जानने वाले हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, बहुत ही कम मात्रा में इसमें आयोडीन भी पाया जाता है, तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान बार बार आपको बीपी फ्लैक्चुएशन की प्रॉब्लम होती है तो उससे भी आप बच जाती हैं। और बहुत बार आपने देखा होगा प्रेग्नेंट महिला सुस्त रहती है, कमज़ोर फील करती है, वीकनेस सी महसूस होती है, तो चावल खाने से इंस्टेंट लेवल पर आपको एनर्जी भी प्रोवाइड होती है, मिल जाती है, आपकी जो थकावट होती है वो दूर होती है। लेकिन फ्रेंड्स, हर चीज़ को खाने से पहले अगर उसकी चीज़ों को, बारीकियों को समझना है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स को भी आपको जान लेना चाहिए। किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर एक्सेस आप कंज्यूम करेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। चावल के अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है फ्रेंड्स, इस वजह से प्रेगनेंसी के दौरान ये आपके वेट गेनिंग को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकता है। वैसे भी जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं आपकी बॉडी के अंदर तो प्रेग्नेंट महिला का वजन बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो यदि आप अत्यधिक चावल का सेवन कर रही हैं तो आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा प्रेग्नेंट महिला को प्रेगनेंसी के दौरान शुगर, जेस्टेशनल डायबिटीज का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। अगर आप ऐसी कोई प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं तो आपको चावल बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। बाय द वे, अगर आपके शरीर में ज्वाइंट्स पेन की प्रॉब्लम हो रही है और काफी ज्यादा आप इसे फेस कर रही हैं तो भी आपको चावल एक सीमित क्वांटिटी में ही लेना चाहिए। अब बात करते हैं चावल किस तरह का आप खा सकती हैं। वैसे तो वाइट राइस आप ले सकती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आपको ब्राउन राइस का सेवन करना चाहिए। ब्राउन राइस के अंदर अनपॉलिश्ड होता है, ब्राउन राइस रॉ मटेरियल होता है, केवल छिलके को रिमूव करके आपको प्रोवाइड कराया जाता है। हाईली इसमें फाइबर कंटेंट मिलता है जिसकी वजह से स्टमक प्रॉब्लम आपकी दूर होती है, आपकी शुगर को भी ये कंट्रोल करता है क्योंकि इसमें शुगर भी कम होता है फ्रेंड्स। और ये अनपॉलिश्ड होता है राइस, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस के थ्रू नहीं गुजरता है जिसकी वजह से ये अनहाइजीनिक कम रहता है, यानी आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा आपकी हेल्थ वाइज और आपके बेबी के न्यूट्रिशन की दृष्टि से। इस वजह से ब्राउन राइस का आप सेवन करना स्टार्ट करिए। कितना राइस आप खा सकती हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, राइस को सबसे पहले तो आपको दिन में ही खाना चाहिए क्योंकि ये हाई कैलोरी वाला फूड है, तो आपके दिन के समय का जो मील होता है उसमें इसको इंक्लूड करिए, आपके शरीर के लिए ज़्यादा अच्छा होगा इसे पचाने में। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, सीने में जलन की प्रॉब्लम है, तो भी आपको चावल कम लेना चाहिए। साथ ही साथ एक बॉल राइस आपके लिए इनफ है एक टाइम के मील के अंदर लेने के लिए, तो इन छोटी छोटी बातों का आप ख्याल रखिए। अगर स्टमक संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो आप खिचड़ी के रूप में चावल का सेवन कर सकती हैं, और नाइट में, ओवरनाइट नहीं, आप लगभग 7-8 बजे के करीब लास्ट मील जब आप लेती हैं तो खिचड़ी का सेवन कर सकती हैं अगर बहुत क्रेविंग होती है आपको चावल खाने की, राइस खाने की। लेकिन एक
सीमित क्वांटिटी में ही लें। बहुत ज़्यादा एनी टाइम आप राइस का सेवन ना करते रहें, क्योंकि इसमें आर्सेनिक नाम का एक तत्व होता है जो अर्लियर मिसकैरेज भी होने की संभावना को बढ़ा देता है। इस वजह से थोड़ी सी सावधानियां आपको ज़रूर बरतना चाहिए। अपने डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन वाले फूड होने चाहिए, जैसे कि वेजिटेबल्स होने चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए, सीजनल के जो भी होते हैं फ्रेंड्स। जितना ज़्यादा वेजिटेबल्स खाएंगे उतनी विटामिन्स मिलेगी, कुछ नट्स की क्वांटिटी भी होनी चाहिए और अनाज भी होने चाहिए, ताकि आपका डाइट प्रॉपर जो है मेंटेन रहे और बच्चा भी बहुत हेल्दी हो, उसको न्यूट्रिशन बैलेंस मिलता रहे। तो आई रियली होप कि ये छोटी सी वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में कहीं भी कुछ भी आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो एक लाइक जरूर करें। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर एंड थैंक यू।